वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तकरीबन देखा जाए तो वोडाफोन ने मंडे के दिन 8.65 पे क्लोजिंग दी थी, 1% की नीचे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था मंडे के दिन में। कल के दिन में वोडाफोन आइडिया स्टॉक ने इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखी जाए तो देख सकते इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इनसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई। आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो इनसफिशिएंट डाटा। डिविडेंड रिटर्न्स की बात की जाए तो स्टॉक अट्रैक्टिव डिविडेंड ऑफर नहीं करता है, पर एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है। नो रेड फ्लैग्स यानी कि देखा जाए तो स्टॉक एसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रोमोटो होल्डिंग में ज्यादा शेयर प्लेस नहीं है। तो देख सकते कि कम्युनिकेशन सर्विसेज में मोटा, टेलीकॉम सर्विसेज में मिड कैप का स्टॉक है। मार्केट कैप 28,000 करोड़ के ऊपर है। रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क का स्टॉक है करंटली। तो देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन 1 वीक के बाद बात की जाए तो 1 वीक में देखा जाए तो 6.49% की गिरावट देखने को मिला है और लास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में देख सकते 2% अप है। एक तेजी के बावजूद यहाँ पे गिरावट फिर से देखने को मिले स्टॉक में। न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ में यहाँ पे देख सकते रिलायंस जियो भारतीय टेलीकॉम आइडिया फर्म अब प्लान्स टू टैप इनटू एमर्जिंग गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स सेगमेंट। वोडाफोन आइडिया सेज इंडस्ट्री नीड टैरिफ इंक्रीज इन रेगुलर इंटरवल्स। तो ये यहाँ पे देख सकते कि वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव ऑन 5G स्पैन्स प्राइस 700 MHz ब्रांड। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते तकरीबन वोडाफोन आइडिया स्टॉक का चार्ट पे ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि 9 लेवल पे ब्रेक करके ऊपर भी चला गया था, फिर से गिरावट तेजी से देखने को मिली और रिसेंटली मंथली पीरियड को ब्रेकआउट देते हुए गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। फिर से गिरावट होते तो 8.20 to 8.25 तक नीचे गिरावट होने के चांसेस है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए।